हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल keys90.com, जहां पर हम बात करते हैं जयपुर के ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और उसको डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं उसका नाम है वर्धमान किंग्स कोर्ट। सो फाइनली वर्धमान किंग्स कोर्ट हैज गॉट ऑल द अप्रूवल्स और ये प्रोजेक्ट अब लॉन्च हो चुका है। सो वी आर रेडी टू रिव्यू द प्रोजेक्ट। तो अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन की आप बात करें तो दिस इज लोकेटेड एट वेरी प्राइम लोकेशन इन जयपुर, न्यू वैशाली नगर, दैट्स अ गांधीपथ वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर अपन जयपुर रियल स्टेट मार्केट के बारे में बात करें और उसको डीपली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमेशा बायर के लिए एक चैलेंज रहा है, वो ये है कि पॉकेट फ्रेंडली या फिर इकोनॉमिक रेंज में यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सके, प्रॉपर्टी खरीद सके, जिसकी लोकेशन भी अच्छी हो, जिसके अंदर वो सारी एमिनिटीज हो जो एक हाई एंड प्रॉपर्टी जो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए में जो मार्केट में मिलती है, वो सारी चीजें पॉकेट फ्रेंडली और इकोनॉमिक रेंज में आपको मिले। सो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का देना चाहूंगा, जहां पर जिसने अपने आपको टाइम टू टाइम बहुत अपग्रेड किया है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो जब आप देखेंगे कि आज से कुछ साल पहले जो फीचर्स 30 से 40 लाख की गाड़ियों में आते थे वो आज 10 से 12 लाख की गाड़ियों में भी आना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से रियल स्टेट में भी इस ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी जो अब लेकर आया है वर्धमान ग्रुप। तो चलिए क्विकली समझते हैं प्रोजेक्ट के फीचर्स, एमिनिटीज क्या यूएसपी प्रोजेक्ट के अंदर है, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर और लास्ट में मैं बताऊंगा किस प्राइस रेंज में यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स आपको मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। अभी जितना भी जयपुर में मेजर डेवलपमेंट हो रहा है वो या तो जगतपुरा की तरफ हो रहा है या फिर वैशाली नगर के जो न्यू वैशाली नगर वाला जो एरिया है जिसको कहते हैं गांधीपथ वेस्ट, वहीं पर हो रहा है। और वहीं पर वहां पर भी जो लोकेशन की जो पोजिशनिंग है, जो इस लैंड की पोजिशनिंग है, दैट इज ऑन द कॉर्नर प्लॉट, राइट, जिसपे एक 200 फीट का रोड लगता है और एक 60 फीट का रोड लगता है, राइट। सो मेन वैशाली नगर से अगर आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो दैट इज ओनली 2 to 3 minutes ऑफ ड्राइव, 2 to 3 kilometers का टोटल ड्राइव है, जो कि बहुत अच्छा रोड और बहुत वेल डेवलप्ड रोड वहां पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर लोकेशन की आप बात करें तो दैट इज ट्रूली वेरी स्ट्रेटेजिक। टोटल लैंड साइज जो इस प्रोजेक्ट का है वो है 18,500 square yards, जिसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो इस तरीके से है कि देयर आर -2 levels जहां पर पार्किंग रहेगी, उसके बाद स्टिल्ट है, स्टिल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 14 फ्लोर तक सारे फ्लोर्स हैं जिसपे 2 और 3 BHK डेवलप होने वाले हैं। तो जब मैंने इसके प्लान्स को देखा तो मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहला, ऑल फ्लैट्स आर वास्तु फ्रेंडली, 100% वास्तु तो कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम वास्तु यहाँ पर अप्लाई होता है। द सेकेंड थिंग, द ओपन एरिया 65% ओपन एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया है। सो नाउ लेट्स टॉक ऑन द एमिनिटीज जो इस प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरत, बहुत खास, बहुत एडवांस बनाती है, वो है इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज, इसकी फैसिलिटीज, इसके फीचर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ज्यादा अपील करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एमिनिटीज एंड क्लब फीचर्स को इन्होंने 8 zones में डिवाइड किया है, राइट। सो टोटल जो क्लब फैसिलिटीज है यहाँ पे अप्रॉक्स 35,000 square feet के ऊपर यहाँ पर बनाई जा रही है, राइट। सो जो 8 zone यहाँ पर बनाए गए हैं उनके अंदर अलग अलग एज ग्रुप को और जेंडर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज दी गई है। एंड द ग्रेट पार्ट इज कि जो क्लब एमिनिटीज भी जो यहाँ पर दी गई है वो भी, देयर आर 2 clubs, वन इज फॉर द एडल्ट्स एंड वन इज फॉर द किड्स। जयपुर में पहली बार किसी प्रोजेक्ट जो इस रेंज के अंदर है उसके अंदर एक सेपरेट किड्स क्लब बनाया जा रहा है, किड्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको ध्यान में रखते हुए। सो जो यहाँ पर 8 zones जो यहाँ पे प्लान है उसका सबसे पहला है वेलकम जोन। वेलकम जोन इज अबाउट योर एंट्रेंस, राइट। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, लेविश प्रीमियम एंट्रेंस यहाँ पर प्लान की गई है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सिटिंग लाउंजेस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, एक रिसेप्शन एरिया यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इट विल बी लाइक अ 5-star 7-star प्रॉपर्टी, जहां पर अगर कोई आपके गेस्ट भी आते हैं तो प्रॉपर उनके लिए वेटिंग एरिया होगा, राइट। दैट बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। सो द सेकेंड जोन इज अबाउट लेजर जोन, जिसके अंदर दे हैव प्लान्ड 3 different स्विमिंग पूल्स, जिसमें एक जो स्विमिंग पूल है वो स्टिल्ट पे दिया गया है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, दैट इज हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। और जो सेकेंड स्विमिंग पूल दिया गया है दैट इज ऑन द टेरेस, दैट इज इन्फिनिटी पूल। और एक पूल जो स्विमिंग पूल जो है जो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर प्लान किया गया है। द थर्ड जोन इज अबाउट हेल्थ जोन। यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास कवर्ड जिमनेजियम के अलावा देर आर 1 open जिमनेजियम ऑल्सो, सो देर आर 2 gyms हियर फॉर योर हेल्थ नीड्स। सो द फोर्थ जोन इज अबाउट योर सोशल जोन, राइट। दिस इज अ वेरी स्पेशल फीचर, राइट।
आज के समय में लोगों को साथ बैठने के लिए एक जो एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, सो दे आर प्लानिंग फ्यू एरियाज वेयर यू कैन सिट विद योर फैमिली, यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सिट विद योर रिलेटिव्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे इस तरीके के स्पॉट्स प्लान है. सो द फिफ्थ जोन इज अबाउट क्लब जोन. यहाँ पर क्लब जोन का मतलब क्लब हाउस से नहीं है, राइट. एक अलग से एरिया जो प्लान है दैट इज ऑन द टेरेस एरिया, राइट, जहां पर प्रॉपर वाटर बॉडीज, वाटर फीचर्स, ग्रीन एरिया, सिट आउट्स, ठीक है, एक अलग से एम्बियंस यहाँ पर डेवलपमेंट में प्लान है, जहां पर एक प्रॉपर आप यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू कैन एंजॉय योर पार्टीज. द सिक्स्थ जोन इज अबाउट किड्स जोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल दीज डेज, बिकॉज आजकल हर फैमिली अपने बच्चों के लिए काफी कंसर्न है. देर आर कल्चर ऑफ स्मॉल फैमिलीज जहाँ पर बच्चे आइसोलेट फील करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक अलग से किड्स क्लब बनाया गया है, किड्स जोन बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे अपने आप को ग्रो कर सकें, ठीक है. इसके अलावा किड्स जोन के अंदर दे हैव प्लान क्रैच एंड डे केयर सेंटर, जहाँ पर इफ देर इज अ वर्किंग फैमिली दे कैन गो आउटसाइड, वो अपने बच्चों को वहां पर रखकर बाहर जा सकते. सो सेवन जोन इट इज अबाउट योर स्पोर्ट्स जोन, ठीक है. तो स्पोर्ट्स जोन के अंदर वो सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज यहाँ पर प्लान है, जैसे कि क्रिकेट प्रैक्टिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, राइट. सो जो हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनको ग्रो करने के लिए जो हमें स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें इसी प्रोजेक्ट के अंदर किंग्स कोर्ट के अंदर ही ऑलरेडी प्लान है. सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट द एट जोन इज ग्रीन जोन. ग्रीन जोन वो सारा ओपन एरिया जो यहाँ पर प्लान्ड है, जहाँ पर प्रॉपर लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, ट्रीज यहाँ पर प्लान किए गए हैं, जहाँ पर यू कैन स्पेयर योर टाइम, यू कैन प्लान योर योगा, यू कैन प्लान योर पार्टीज. सो ग्रीन जोन इज वेरी असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट दीज डेज. तो यहाँ पर एम्पल 65% ओपन एरिया यहाँ पर दिया गया है. सो फ्रेंड्स, इन एट जोन के अलावा भी यहाँ पर कई फैंसी एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज है जो इस प्रोजेक्ट को और रिच बनाती है. जैसे कि अगर आप बात करें तो आपको पूजा पाठ के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अंदर ही मंदिर प्लान किया गया है. इसके अलावा किंग साइज, लार्ज साइज ऑफ बैंकेट हॉल यहाँ पर प्लान किया गया है, जहाँ पर छोटी से बड़ी कोई भी पार्टी आप यहाँ पर कर सकते हैं. इसके अलावा अभी जैसे आप देख रहे हैं आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर पार्किंग एरिया के अंदर प्रोवाइडेड रहेंगे. हर एक फ्लोर को, मतलब हर एक ऑल्टरनेट फ्लोर को ब्यूटी देने के लिए वहां पर हर एक ऑल्टरनेट फ्लोर पर भी यहाँ पर एक टेरेस गार्डन प्लान किया गया है. तो हर दूसरे फ्लोर के बाद एक टेरेस गार्डन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आपको ऑल द वे बिल्कुल नीचे आने की जरूरत नहीं है. आपको अगर थोड़ी सी देर के लिए अगर आपको ग्रीन जी में बैठना चाहते हैं तो यू कैन सिट ऑन द टेरेस गार्डन विच इज अवेलेबल ऑन एवरी ऑल्टरनेट फ्लोर. तो चलिए अब बात करते हैं जो कि सबसे जरूरी होती है, वो है आपके काम के बाद इस प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स कैसे हैं, राइट. यहाँ पर दो ही साइजेस दिए गए हैं, एक है 2 BHK, एक है 3 BHK. तो जो 2 BHK का साइज यहाँ पर है दैट इज टिपिकली 1190 square feet. अब जो नेक्स्ट प्लान है दैट इज 3 BHK, वो लगभग 1475 square feet के ऊपर प्लान है. सो फाइनली अब हम बात करते हैं प्राइजेस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, राइट. सो जो 2 BHK वेरिएंट का जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 42 lakh rupees बेसिक प्राइस, और जो 3 BHK का जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है दैट इज 52 lakh rupees बेसिक प्राइस. चले फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट के बारे में बताते बताते मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ. सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द साइट एंड वहीं पे चल के देखते हैं कैसी लोकेशन है, कैसा प्रोजेक्ट है और वहां जाके हमें कैसा फील होता है. रीच्ड एट गांधी पथ वैशाली नगर. ये मेन वैशाली नगर है और यहीं से इसी गांधी पथ से हम लोग गांधी पथ वेस्ट की तरफ जाते हैं जो कि न्यू वैशाली नगर है. फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं किंग्स कोर्ट की साइट ऑफिस के ऊपर. तो बारिश की वजह से मैं पूरे रास्ते में जितने भी हाईलाइट्स है वो कवर नहीं कर पाया. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पे.
सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर और दिखाता हूँ कि क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर और इसका मॉडल कैसा है और कैसा साइट ऑफिस है। के बारे में दिस वॉज द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट। कुछ और डिटेल वीडियो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम टाइम टू टाइम बनाएंगे। सो वीडियो खत्म करने से पहले छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा बिल्डर के बारे में। सो दिस इज वर्तमान ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ द ग्रुप। पिछले 30 से 40 सालों से ये एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है, राइट? छोटे बड़े और बहुत स्क्रैच से टाउनशिप लेवल तक के इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और हमेशा खास बात ये रही है कि इन्होंने टाइमली कंप्लीशन किया है, बिफोर टाइमर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। प्लस क्वालिटी को हमेशा इन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड करते हुए चले हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मार्केट में क्लाइंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट में नहीं आई है। सो वी हाईली रिकमेंड वर्तमान ग्रुप फॉर योर इन्वेस्टमेंट। योर मनी इज सेफ, योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड योर फ्यूचर इज सेफ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर या हमारे चैनल को लेकर या रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है वी आर द प्रिविलेज सेल्स पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट अमॉन्ग फ्यू सेल्स पार्टनर। सो वी हैव सेपरेट टीम फॉर द सेलिंग प्रोजेक्ट। में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप यहाँ पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर फ्लैट की और डिटेल से समझना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप वेट कीजिए एक नए वीडियो का, जो और नए अपडेशंस के साथ हम इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।